पकड़ा हुआ है। सर क्या कहना चाहेंगे, सबसे पहले किरदार के बारे में बताइए, मर्द को दर्द नहीं होता, किस तरह का किरदार है, जैसे हमने ट्रेलर में देखा द विलन। मेरे दो किरदार है एक्चुअली इसमें, मेरा डबल रोल है, शायद ट्रिपल रोल है, शायद चार भी है एक्चुअली। इस फिल्म में जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, सब मैंने किए हैं, इन लोगों इन दोनों का रोल भी मैंने किया था एक्चुअली। इनके हाँ इनके साथ डील की थी, इनकी डेब्यू, इनकी अभी एक्चुअली डेब्यू होने वाली थी, इनकी तो डेब्यू है, तो ये थोड़ा प्रेशर में आ गए कैसे होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा। हाँ ये एक सूट, मतलब आठ आठ घंटे लगते थे इनके मेकअप को, और ज्यादा लगती है। ये है सूर्या, ये है सुप्री, ये है मनी, ये है जिमी, सब कुछ। फिल्म डायरेक्ट भी मैंने किया, शूट भी मैंने किया, साउंड डिजाइन, रिटन बाय, डायरेक्टेड बाय, प्रेजेंट्स, सब कुछ, लॉन्चिंग, एंड क्रेडिट्स। मैं एक इंडस्ट्री हूँ। जय राम जी। एनीवे, सो डबल रोल है, एक दो जुड़वा भाई है, जुड़वा भाई है कराटे मनी और जिमी। और कराटे मणि वो कुत्ता है जो एक ही जगह पे हमेशा पड़ा रहता है, और मणि वो कुत्ता है जो गली गलियों में घूमते हुए सब पे भौंक के बोलता है कि ये गली मेरा है। और है भी उसका। अच्छा ओके, अभिमन्यु आपकी डेब्यू फिल्म है, कैसा एक्सपीरियंस रहा, और थोड़ा सा किरदार के बारे में बताइए, जैसे हमने ट्रेलर में देखा कि वाकई में आपको दर्द नहीं होता है, थोड़ा सा बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो हाँ, ये मेरी पहली पिक्चर है, और सबके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया, काफ़ी सीखने को मिला, जैसे गुलशन सर ने बताया, सबने अपना बहुत गुलशन सर कैमरा के सर में सर आ जाता है ना, बड़ा ही गुलशन। कभी नहीं बुलाता हूँ, मजाक कर रहा हूँ। राधिका मैडम के साथ भी बहुत एक्सपीरियंस एक्टर है, मतलब उनसे ले रखा है। नहीं पर तो सूर्या जो है वो एक उसे एक डिजीज़ है, कंजेंटल इनसेंसिटिविटी टू पेन, वो बाद में गूगल कर लेना, पर बेसिकली दर्द नहीं होता जैसे आपने ट्रेलर में देखा। और वो एक ब्लैक एंड वाइट कैरेक्टर है, मतलब हर आदमी औरत में एक बच्चा होता है जो अपने ड्रीम्स के यू नो ड्रीम्स में बिलीव करता है, और सूर्या वो बच्चा है। तो आई एम होपिंग कि जो लोग देखें पिक्चर, उसमें आपको थोड़ा सा सूर्या अपने अंदर मिले, और थोड़ा सा खुद को आप सूर्या में देख पाए। तो एंड वर्किंग विद वासन सर वाज सुपर्ब, पूरे जो प्रोसेस में, जो संघर्ष में उनने साथ दिया और मुझ में बिलीव किया, तो दैट वाज, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। एक वो अंदर प्योरिटी होती है ना, एक इनोसेंस होती है ना बचपन में, वो चला जाता है, हम लोग जब बड़े हो जाते हैं चला जाता है, लेकिन सूर्या बड़ा होता है लेकिन अब भी वो प्योरिटी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये कैरेक्टर में आपको दिखेगा। अच्छा, कितना कनेक्ट किया आपने रियल लाइफ से, रियल लाइफ में कैसे, थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताया, क्योंकि डेब्यू होने वाला है, बहुत सारी फैन फॉलोइंग भी बढ़ने वाली है आपकी। आपके मुंह में घी शक्कर और पानी, पानी बहुत पूछ लो कि क्या फेवरेट स्वीट है, घी शक्कर। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, ये शक्कर की बीमारी है तो शक्कर क्यों डालो, क्या आपकी फेवरेट, क्या वो जो भी है। रियल लाइफ से कितना कनेक्ट करते हैं किरदार सूर्या, और रियल लाइफ में अभिमन्यु कैसा है? बहुत डिफरेंट था मुझसे सूर्या, या सबसे डिफरेंट है पर एट द सेम सबसे सेम भी है, बिकॉज वी आर ऑल होपिंग टू बी सूर्या, पर ये जो दुनिया में रहते हैं उसमें आइडियलिस्टिक नहीं बन सकते, जेडेड हो जाते हैं अपने सोसाइटी की वजह से, और अपने लेयर्स आ जाते हैं कि एक्सपीरियंसेस की वजह से, वो लेयर्स नहीं है, अगर वो एक्सपीरियंसेस हमें नहीं होते तो हम सब सूर्या होते हैं। ओके, राधिका आपसे जानना चाहेंगे, सुप्री कैसी लड़की है, जैसे मैंने अभिमन्यु से पूछा, रियल लाइफ से कितना कनेक्ट करती है, जैसे पटाका में हमने देखा था कि फुल ऑन फाइटिंग वाइटिंग करते हो, यहाँ पे एक रोमांटिक एंगल भी है आपका अभिमन्यु यानी कि जवाब देने से पहले आपके मुंह से वो आपकी पहली फिल्म जो थी उसका नाम सुनना चाहूंगा, पटाखा। सो ठीक है, तो सुप्री जो आपको दिख रही है बेसिकली, आपको भी बड़ी कूल सी स्टाइल मारती हुई दिख रही है, बोनट के ऊपर से आ रही है, बट जितना सूर्या जैसे ब्लैक एंड व्हाइट बताया, उतनी सुप्री ग्रे, तो जो दिख रहा है वो या कलरफुल है पता नहीं। सो जो दिख रहा है बेसिकली वो है नहीं, एंड बहुत लेयर्स हैं उसके कैरेक्टर में, तो वो आप जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। एंड रियल लाइफ में मैं सुप्री से कनेक्ट नहीं करती हूँ, मतलब okay. मैं थोड़ी तो मैं मस्त है, सुप्री का एक पार्ट है जिससे मैं कनेक्ट करती हूँ, बट वैसे वो बहुत अलग है, और उसको जितना एक्शन में इंटरेस्ट है मुझे राधिका को कभी नहीं हो सकता। और बस इतना ही डिफरेंस है सुप्री और राधिका के अंदर, और
बस राधिका आपसे और एक चीज जानना चाहूंगा, टेलीविजन इतने सालों करने के बाद अब जो है दो फिल्में आपने लगातार कर ली हैं, तो क्या आप पूरा फोकस फिल्मों की तरफ होगा या फिर टेलीविजन में भी लोग देखेंगे आपको? यार मैं वही करूंगी जिसमें मेरे को मजे आएंगे, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो वेब हो, चाहे वो मूवीज हो, चाहे वो कुछ भी हो। मैं बिल्कुल अपने आप को ऐसे नहीं कर रही कि अब तो मैं ना सिर्फ मूवीज करती हूँ और मैं इंडियन एक्टर्स के साथ काम, ऐसा नहीं होगा। जिसमें मजे आएंगे, जिसमें ऐसे होगा कि कल उठते हैं और काम पे जाते हैं और मैं पागल हो जाऊंगी कि मैं पूरे दिन सिर्फ उसके बारे में सोची जा रही हूँ, वो चीज मैं करूंगी। सो नॉट माइंडिंग माय सेल्फ। गुलशन आपसे जानना चाहूंगा। वेरी गुड, मिल गया। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके गुलशन, आप क्या कहना चाहेंगे, राधिका भी ऑलमोस्ट फिल्मों में नहीं है, अभिमन्यु भी नहीं है, कैसा एक्सपीरियंस रहा इन दोनों के साथ और कुछ शेयर करना चाहेंगे? किस तरह इनको पूछना चाहिए कि एक्सपीरियंस मेरे जैसे दिग्गज के साथ में काम करके इनका तजुर्बा कैसा रहा? ये हम लोगों ने साथ में ट्रेनिंग शुरू करी थी, ये लोग ऑलरेडी क्योंकि इसके लिए फिजिकल तैयारी की जरूरत थी तो ये लोग ऑलरेडी कर रहे थे, तो मैंने ज्वाइन किया इनको, तो ऑलरेडी एक काफ़ी एडवांस लेवल तक पहुंच गए थे। तो ये दौरान हम लोग एक दूसरे को जानने लगे क्योंकि चार चार घंटे बिता रहे थे हम लोग साथ में, खाना वाना खा रहे थे, खून पसीना बहा रहे थे हम लोग साथ में। तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये लोग नए हैं, काफ़ी तैयार लगे मुझे, काफ़ी डेडिकेटेड लगे, बहुत हार्ड वर्किंग। इनका काम करने का तरीका अलग है, उनका काम करने का तरीका अलग है, लेकिन ये दोनों मैं कहूँगा कि इनका वर्क एथिक जो है वो बहुत सही है। तो शूटिंग के दौरान भी बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स देते थे और एनर्जी लेवल्स इनकी और पेशेंस लेवल और वही काम को लेके काम बहुत बड़े इज्जत से काम को करते थे। तो ऐसे माहौल में आप सिर्फ इन्जॉय करते हो, मतलब आई इन्जॉयड वर्किंग विद दीज टू, वेदर आई वॉज इन द सीन विद देम या मैं सेपरेटली बैठ के मॉनिटर के पीछे बैठ के देख रहा हूँ। और फिल्म देखने के दौरान भी मैंने इनके परफॉर्मेंस को एंजॉय किया एज एन ऑडियंस ऑल्सो। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आजकल मतलब काफ़ी तैयार और इतने डेडिकेटेड और होनहार और आर्टिकुलेट और मैच्योर इनकी उम्र का था बेसिकली। मैं ऑफकोर्स मैं सॉरी लेकिन मैं राधिका की थोड़ी और तारीफ कर दूँगा, यू आर लाइक 20 समथिंग, इनकी उम्र का मैं था तो मैं एकदम बेवकूफ़ था। अब जाके थोड़ी थोड़ी अकल समझ आई है, बट इज अमेजिंग टू सी कि मेरी उम्र तक समझ ऑल दोस थिंग्स दैट शी सेड अबाउट अपने करियर के बारे में, दिस आर वेरी मैच्योर थॉट्स, लेकिन इनके बोलने का अंदाज काफी काफी यूथफुल है, लेकिन दोस थॉट्स आर वेरी मैच्योर, गुड स्टफ एंड वेल फॉर्मड, गुड लेटर गाइस लेटर। अभिमन्यु आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे डेब्यूटेंट जो है लव स्टोरी से शुरुआत करते हैं, फिजिकली आपने काफी तैयारियां की है, वो हम बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या थॉट प्रोसेस था स्पेशली इस फिल्म के लिए, मतलब कैसे आई आपके पास फिल्म, थोड़ा सा बताइए उस बारे में। सर मैं ऑडिशन दे रहा था काफी फिल्मों के लिए, उनमें से थोड़ी फिल्म वापस आई मेरे पास, पर मैं अपने आप को तैयार नहीं समझता था, आई वॉजन्ट रेडी फॉर इट। और इसी दौरान वासन सर से मुलाकात हुई, कुछ 6 हफ्ते ऑडिशन दिए ये पिक्चर के लिए, और इस 6 हफ्तों के समय में मैं वासन सर से रोज़ मिलते गया ऑडिशन के दौरान, और उनके साथ एक बॉन्ड जैसा, फ्रेंडशिप जैसा हो गया कि मतलब हम जो बातें करते थे फिल्मों के बारे में, जो एक्सपीरियंसेस के बारे में, हमारा थॉट प्रोसेस बहुत मिलता जुलता था। वो एक सुपर्ब डायरेक्टर और टेक्नीशियन है, वो तो एक बात है, जीनियस है, पर जो इंसान है वो मतलब बहुत कम होते हैं ऐसे इतने अच्छे इंसान। तो आई वांटेड टू स्पेंड मोर टाइम विथ हिम, एंड उनने जब मुझ में बिलीव किया तो वो एहसास मुझे हुआ कि मैं खुद कर सकता हूँ, दैट इज़ व्हेन आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ। तो मेरा चॉइस ये फिल्म लेना वासन सर के ऊपर था, ही वॉज़ माई चॉइस। ड्रीम डायरेक्टर या ड्रीम जॉनर है कोई? तो ये पिक्चर के बाद मैं कह सकता हूँ कि हर एक्टर के टॉप 5 डायरेक्टर्स के लिस्ट में सडनली वासन सर का नाम ऊपर आता है। नहीं, इनका सवाल ये है कि आपके मेरे लिए आपके ज़हन में कोई ड्रीम डायरेक्टर काफ़ी डायरेक्टर है जो जिनका काम मुझे बहुत पसंद है, आयान मुखर्जी है, जोया मैम है, नीरज पांडे सर, इनकी पिक्चरें सारी पिक्चरें मैं 10-10 बार देख चुका हूँ और बहुत पसंद आती है, तो इनके साथ काम करने को मौका मिलेगा तो मतलब कमाल, एक बार तो बेहोश हो जाऊंगा मैं कंफर्म, मतलब कमाल फोन आएगा तो मैं एक बार साइड में रहूंगा, ये मेरा फोन नहीं है, किसी और का बज रहा है इनका नाम। ओके लास्टली कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से, और क्या यूएसपी होने वाली है, ऑडियंस को क्यों ये फिल्म देखनी चाहिए? बहुत मसाला है ये फिल्म में, बहुत मजा आएगा आपको, सारे क्लीशे जो बॉलीवुड फिल्म्स में है वो ये पिक्चर में है, पर अब ढूंढते ढूंढते
घूम हो जाओगे इस नए वर्ल्ड में. और एक्शन बहुत ज़बरदस्त है, ज़ोरदार है, और सारे एक्टर्स ने एक्शन खुद से किया है, तो आप देख पाओगे. और कुछ यार मसालेदार फिल्म है, मजेदार फिल्म, मजा आएगा आपको, गारंटी देता हूँ मैं. हाँ पढ़ लो, ऑलरेडी रिव्यूज है ऑनलाइन, पढ़ लो. अगर हम पे बिलीव नहीं है तो पढ़ लेना, खुद तसल्ली गूगल कर लेना, होली खेल लेना, कोई दूसरी पिक्चर भी लेके वो भी देख लेना, उसके बाद आके मर्द को दर्द नहीं देखना, और अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को भी लेके. ये वो पिक्चर है जो आप दो बार देख सकते हो. हां मेरे मजा आएगा यकीनन. डन इट, डन इट. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू.